हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक मिस्ट्री थ्रिलर स्टोरी देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। क्या कर रहे हो अभी तक, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस मिलती रहेंगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और कोई भी किसी से मिल नहीं सकता था। उसी लॉकडाउन में एक कालिदास नाम का आदमी एक बिल्डिंग में रहने के लिए आया होता है। वह फ्लैट थोड़े दिन पहले ही खाली हुआ होता है। उस पूरी बिल्डिंग में बहुत शांति होती है क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर कालिदास अपने फ्लैट में जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी यमुना का फोन उसे आता है और वह उससे पूछ रही होती है कि तुम अच्छे से फ्लैट पहुंच गए या नहीं। फिर उसके बाद कालिदास बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और खाने वाला ही होता है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है तो वह बाहर जाके देखने लगता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। फिर वह जब खाना खा रहा था वो अंदर आकर देखता है तो उसका खाना कूड़ेदान में पड़ा होता है और जिस गिलास में कालिदास पानी पी रहा था वो भी खाली हो गया था। ये देख कालिदास शौक हो जाता है। तभी उसके फ्लैट में उसे एक माँ और बेटी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। उसमें उसकी माँ अपनी बेटी से कह रही होती है कि वह अपनी पढ़ाई मन लगा कर करे क्योंकि तुम्हारे पहले वाले पेपर में बहुत ही कम नंबर आए हैं। यह सुनकर कालिदास बहुत डर जाता है। कालिदास समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी कालिदास के पास उसकी पत्नी यमुना का फोन आता है। उसके बाद कालिदास यमुना से सब कुछ बताने लगता है कि मेरे अलावा इस फ्लैट में एक माँ और बेटी भी हैं। लेकिन ये सुनने के बाद कालिदास का वो मजाक उड़ाने लगती है और साथ ही ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुमने रात को ज्यादा दारू पी ली होगी इसीलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। लेकिन कालिदास को खुद पर यकीन होता है कि मेरा ये बहम नहीं हकीकत है। फिर कालिदास को उसके बेड के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाजें पन्ने पलटने की होती है और वह एक बुक से आ रही थी जो उसके बेड के नीचे थी और वह हवा चलने की वजह से हो रहा था। उसके बाद कालिदास उस बुक को निकाल कर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी बच्चे की किताब है। उस किताब में पेंटिंग्स भी बनी होती हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि न्यूज में दिखा रहे थे कि वहां पर थोड़े दिन पहले दो मर्डर हुए होते हैं और उसी केस की छानबीन करने के लिए डीजीपी ने स्पेशल टीम बुलाई थी। कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या भी रोज रोज बढ़ रही होती है, इसीलिए कालिदास भी अपना टेम्परेचर और बुखार रोज रोज चेक करता रहता है और वह बहुत मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करता था। कालिदास को कोई भी समस्या होती तो वह डॉक्टर सुजैन को फोन करके पूछता था। थोड़े दिनों बाद कालिदास सुजैन से बात कर रहा था तभी कालिदास को उन माँ और बेटी की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। फिर जब ये बात कालिदास ने डॉक्टर सुजैन को बताई तो वह कहने लगी कि ये तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। साथ ही डॉक्टर कालिदास को फिट रहने के लिए योगा करने को कहती है। अगले दिन कालिदास योगा कर रहा होता है तभी उसके पास माया का फोन आता है। माया उसके घर पे पहले काम किया करती थी और माया कालिदास को कहती है कि हरि मुझे दोबारा परेशान कर रहा है। दरअसल हरि एक गुंडा होता है। एक बार हरि कालिदास से जेल में मिला होता है और जेल में कालिदास एक स्पीच देने गया था। वहां पर हरि की जमानत कालिदास ने करवाई थी क्योंकि हरि सुधरना चाहता था और ठीक ढंग से रहने के लिए भी बोला था। लेकिन अब हरि फिर से अपनी पत्नी माया को तंग करने लगा होता है, इसीलिए कालिदास हरि को समझाता है कि तुम्हें गुंडा नहीं बल्कि एक साधारण और अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। कालिदास ने हरि का बहुत ज्यादा काम किया था और हरि पर कालिदास के बहुत एहसान होते हैं, इसीलिए हरि कालिदास की बात मान लेता है। फिर कालिदास अपने फ्लैट से बाहर निकलकर साइड वाले फ्लैट पर जाता है और कालिदास बेल बजाने ही वाला होता है कि तभी उसके पास सिक्योरिटी हेड का फोन आता है। वह कालिदास से पूछता है कि आप बाहर क्यों आए। जवाब में कालिदास उससे अपने साइड वाले फ्लैट के बारे में पूछने लगता है। फिर सिक्योरिटी वाला उसे कहता है कि उस फ्लैट में एक शादीशुदा पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों की कुछ मंथ्स पहले ही मौत हो गई क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया था। यह सुनते ही कालिदास बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वह तुरंत ही अपने फ्लैट में वापिस आ जाता है। जैसे ही कालिदास अपने फ्लैट में एंटर करता है तो उस शीशे पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। उस पर लिखा होता है कि ये हमारा घर है। उसके बाद कालिदास को वही आवाजें दोबारा सुनाई देने लग जाती हैं। फिर कालिदास अपने फ्लैट के चारों ओर देखता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। वहां पर जो आवाजें कालिदास को सुनाई दे रही होती हैं उसमें श्रीदेवी अपनी बेटी को एक आदमी से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वह आदमी बहुत घटिया इंसान होता है। उसके बाद कालिदास यमुना को फोन करके दोबारा उन आवाजों के बारे में बताता है लेकिन यमुना अभी भी कालिदास की बातों पर विश्वास नहीं करती है। फिर कालिदास अपने एक दोस्त से शराब की बोतलें मंगवाता है। कालिदास ने कर्नल को बता दिया था कि वह एक आईपीएस पुलिस वाला है लेकिन वाकई में कालिदास एक साधारण इंसान होता है। कालिदास ने कर्नल से झूठ बोला था। दारू आने के बाद वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है
उसके बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन जब कालिदास उठता है तो उसे दोबारा उन माँ बेटी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसमें श्रीदेवी और उसकी बेटी उसी घटिया इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हर वक्त उन्हें तंग करता रहता था और उनके घर पर भी आता था। फिर कालिदास को दोबारा उस शीशे पर लिखा हुआ मिलता है कि यह हमारा घर है। हालांकि कालिदास ने उस रात शीशे को अच्छे से साफ कर दिया था। उसके बाद कालिदास शीशे की फोटो खींचकर यमुना को भेजता है क्योंकि यमुना उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। फिर जब यमुना भेजी हुई फोटो को देखती है तो उस फोटो में कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये देख कालिदास शौक हो जाता है, इसीलिए कालिदास इसे खुद ही सुलझाने का फैसला करता है। श्रीदेवी और उसकी बेटी जो इस फ्लैट में पहले रहते थे आखिर अब वो कहाँ गए हैं, वह इसकी छानबीन करने लगता है। उसके बाद कालिदास फोन करके सिक्योरिटी हेड से पूछता है कि इस फ्लैट में जो पहले रहते थे वो कहाँ गए, तो वो उस पे कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता है। इसीलिए कालिदास श्रीदेवी का नंबर मांगता है तो सिक्योरिटी हेड उसे नंबर दे देता है। फिर वह नंबर कालिदास मिलाता है लेकिन वह स्विच ऑफ आता है। इसीलिए कालिदास अपने एक साइड वाले फ्लैट में जाकर एक बूढ़ी दादी से उन दोनों के बारे में पूछता है। इस पर आंटी उससे कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर आई तब तक वे माँ बेटी कहीं चले गए थे। फिर कालिदास को यह सब एक भ्रम लग रहा होता है, इसमें एक से कोई दूसरी घटना का कनेक्शन जरूर होता है। फिर कालिदास रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ श्रीदेवी और उसकी बेटी की डिटेल्स खोजने लगता है और उसे उनकी आधार कार्ड की कॉपी मिल जाती है। फिर कालिदास उस आधार कार्ड की फोटो लेकर अपने दोस्त विनोद को भेजता है जो पुलिस इंस्पेक्टर को भेज देता है। फिर कालिदास विनोद से कहता है कि तुम मुझे श्रीदेवी और उसकी बेटी की डिटेल्स पता करके भेजो। तभी श्रीदेवी और उसकी बेटी की आवाजें उसे फिर सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद कालिदास सिक्योरिटी हेड के खाते में 10,000 रुपए भेजता है और उससे फोन करके पूछता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी को कौन परेशान किया करता था। फिर सिक्योरिटी कालिदास को बताता है कि इस होटल का केयरटेकर थॉमस उन्हें परेशान किया करता था, इसीलिए कालिदास सिक्योरिटी से थॉमस का नंबर लेकर उसे फोन करके पूछता है। तो इस पर थॉमस डर कर अपना फोन जल्दी से काट देता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है क्योंकि कालिदास उसे श्रीदेवी और उसकी बेटी के बारे में पूछ रहा होता है, इसीलिए कालिदास का शक अब थॉमस पर जाता है। दूसरी तरफ कालिदास को विनोद फोन करके बताता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी उसी फ्लैट में जिस फ्लैट में अभी वो रह रहा है। पुलिस की छानबीन से पता लगा था कि श्रीदेवी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, इसीलिए ही उसने अपने साथ अपनी बेटी की भी खुदकुशी कर दी थी। कालिदास ये सब पता करने के बाद अपनी पत्नी यमुना को बताता है कि मुझे लग रहा है कि श्रीदेवी ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसको किसी ने जान से मारा है। अब मैं उसके मर्डर के पीछे का मकसद जानकर ही रहूंगा। इसीलिए कालिदास सीसीटीवी कैमरे देखने जाता है। वहाँ पर कालिदास को सिक्योरिटी का फोन आता है और वह कालिदास को बताता है कि यहाँ पर केवल 1 महीने का ही सीसीटीवी फुटेज मिलेगा। श्रीदेवी और उसकी बेटी की वीडियो थॉमस ने पहले ही कटवा दी थी ताकि ये बात बाहर ना किसी को पता लग जाए। अगले दिन कालिदास को एक बर्थडे केक मिलता है, वह केक हरि ने भेजा था। कालिदास केक खा रहा होता है कि तभी उसके पास उसकी पत्नी यमुना का फोन आता है और वह उससे बात करने लगता है और यमुना उसे बर्थडे विश करती है। तभी कालिदास को श्रीदेवी और उसकी बेटी की आवाजें फिर से आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि आज श्रीदेवी की बेटी का भी बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी में थॉमस उसे मिलने आया है। थॉमस को श्रीदेवी अपने फ्लैट से भगा देती है और उसके खिलाफ पुलिस केस करने के लिए भी कहती है। इसीलिए कालिदास विनोद को फोन करके उससे पूछता है कि श्रीदेवी ने कोई FIR दर्ज करवाई थी क्या, लेकिन विनोद उसे बताता है कि कालिदास जी श्रीदेवी ने कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई है। उसके बाद कालिदास अपने पड़ोस वाली आंटी से थॉमस के बारे में पूछने जाता है कि वह कैसा आदमी है। तो वहां पर बूढ़ी आंटी काली को बताती है कि नीचे फ्लैट में एक लेडीज शीला रहती है और वह थॉमस की सबसे अच्छी दोस्त है, तुम उससे ही पूछ लो। फिर कालिदास शीला से जाकर मिलता है तो शीला उसे बताती है कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार हूँ। और शीला कालिदास को श्रीदेवी और उसकी बेटी अनु के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है। शीला के बिहेवियर से कालिदास को लगा कि वह थॉमस के बारे में कुछ छुपा रही है। फिर कालिदास विनोद से श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजने को कहता है और उस रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के बारे में पता लगाने को कहता है। उसके बाद कालिदास उस बुक को बहुत ध्यान से देखने लगता है, उससे उसे कुछ पता चलता है। अगले दिन कालिदास के पास फोन आता है और वह उसे बताता है कि कोरोना की वजह से शीला की मौत हो गई है, लेकिन मरने से पहले शीला ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है और वह लेटर मैंने तुम्हारे फ्लैट के बाहर रखवा दिया है। फिर कालिदास फौरन ही उस लेटर को खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि थॉमस श्रीदेवी और उसकी बेटी अनु को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था
और वह उसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता रहता था। इसीलिए ये मान सकते हैं कि श्रीदेवी और उसकी बेटी के मौत के पीछे थॉमस का ही हाथ हो सकता है। यह सब जानने के बाद कालिदास थॉमस को फोन करके डराने लगता है कि तुम सच बता दो वरना इस लेटर के साथ मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। उसके बाद थॉमस बताने लगता है कि उस दिन वह श्रीदेवी के फ्लैट पर गया था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ कोई आया हुआ था और उसने अपना दरवाजा नहीं खोला और उस आदमी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। ये हो सकता है कि श्रीदेवी का मर्डर उसी इंसान ने किया हो। फिर कालिदास सिक्योरिटी हेड को फोन करके उससे पूछता है कि उस दिन श्रीदेवी के साथ और भी कोई फ्लैट में आया था क्या। इस पर सिक्योरिटी हेड कालिदास को बताता है कि एक और आदमी आया था और उस आदमी के पास नीले रंग की कार भी थी। उसके बाद कालिदास विनोद को फोन करके उस नीले रंग की कार के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर विनोद उसे बताता है कि उसने एक डॉक्टर से बात की थी, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसकी बातों से पता लग रहा होता है कि उसे कुछ पता है, इसीलिए डॉक्टर का नंबर लेकर कालिदास हरी को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और उसे सच का पता करो। फिर विनोद कालिदास को फोन करता है और वो कालिदास को बताता है कि वह नीली कार एक रेंज रोवर थी। वह कार श्रीदेवी के मालिक बिनोय की थी। दरअसल श्रीदेवी जिस कंपनी में काम कर रही थी वहां पर पहले श्रीदेवी ने बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया था, लेकिन वह पैसा डूब गया था, इसीलिए वह सारे लोग श्रीदेवी से अपना पैसा वापस मांग रहे होते हैं। इसीलिए बिनोय ने श्रीदेवी को अपनी कंपनी में काम दिया था और साथ ही श्रीदेवी का सारा कर्जा भी चुकवाया था। इसी बीच बिनोय और श्रीदेवी के बीच अफेयर हो गया था और अक्सर ही बिनोय श्रीदेवी के फ्लैट पर आता रहता था। दूसरी तरफ कालिदास को बिनोय के बारे में पता लग गया था। जो किताब उसे मिली थी उसमें ही बिनोय की पेंटिंग बनी थी और उसी पर उसका नाम भी लिखा था। तभी डॉक्टर से भी हरी को पता लग जाता है कि बिनोय ने ही श्रीदेवी और उसकी बेटी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने के लिए डॉक्टर से कहा था। इसके बाद सब साफ हो गया था कि श्रीदेवी के मर्डर के पीछे बिनोय का ही हाथ था। इसीलिए कालिदास ने हरी से कहकर बिनोय को जान से मरवा दिया और अगले दिन के अखबार में ये खबर चलने लगती है कि फेमस बिजनेसमैन बिनोय का हरी ने खून कर दिया है। फिर हरी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हरी से पूछताछ करने पर पुलिस को पता लगता है कि ये खून हरी ने कालिदास के कहने पर किया था। इसी कारण पुलिस कालिदास को खोजने लग जाती है और पुलिस वाले यमुना और डॉक्टर सुजैन से भी पूछताछ करते हैं। उससे उन्हें पता लगता है कि कालिदास को एक मेंटल बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में जीने लगता है और अपने मन में एक कहानी बनाकर उसे सच मान बैठता है। ये सब कालिदास अपनी बीमारी की वजह से ही कर रहा था। फिर कालिदास हर नई जगह पर जाकर बहुत सारे लोगों का खून भी करवाता था। पहले तो वह कैदियों को जेल से उनकी जमानत करवा के बाहर निकालता था और फिर उनका इस्तेमाल करके मर्डर करवाता था और इस सब के बाद वह पुलिस को चकमा देकर वहां से अपने नए शिकार के लिए निकल गया होता है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती है। तो इसी के साथ यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।